हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जो कंपनी है मेनली वेस्टर्न इंडिया पे ऑपरेट करती है कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस की ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न दे रही है एंड कंपनी अंडर वैल्यूड रहने वाली है मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री भी रहने वाली है और इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो पैंतीस परसेंट केस पास निकल के आ रही है तो गैज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन पॉइंट्स कवर करेंगे फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो हव टाउन लिमिटेड और कंपनी बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है देख सकते हो कंपनी इट इज़ इनटू टू एक्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन रेसिडेंशियल कमर्शियल फ्रेमाइस एंड बिल्ड्स ऑफ पर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स बी और कंपनी जो है वो मेनली वेस्टर्न इंडिया पे फोकस करती है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के बारे में अगर कुछ डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो कंपनी बहुत बी एस एंड एन एस में रिलिस्टेड है मार्केट के पाँच सौ सत्रह करोड़ के आसपास की है बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है और अगर एक साल की अप्रोसीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आ रही है फोर ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट के आसपास कंपनी की पी यहाँ पर मैंशन नहीं है आर ओ सी पॉइंट एट फाइव परसेंट एक, एक परसेंट से भी कम निकल के आ रही है आर ओ सी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट तीन साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है लास्ट सिक्स मंथ्स के रिटर्न अराउंड एट्टी थ्री परसेंट है डिविडेंड नहीं देती है कंपनी फेस वैल्यू दस की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग नाइन्टी वन परसेंट प्लेज हो रखा है प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर दी है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट क्वार्टर मतलब डिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सॉरी uh, कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट डिक्रीज हुई है कंपनी की लास्ट फाइव इयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट तीन साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ थर्टीन हंड्रेड प्रोमोटर्स होल्डिंग लगभग नाइन्टी वन परसेंट बेज रखा है जैसे कि मैंने ऊपर भी आप लोग को दिखाई दिया ये पॉइंट अर्निंग्स अदर इनकम ऑफ लगभग फाइव Company has high debt days of 254.08 days, and company's cost of borrowing seems high. क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करंट टी में कंपनी लगभग 44 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है और मैक्सिमम टाइम कंपनी मेजोरिटी देखो अभी लॉस ही देती है पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी मतलब जितना यहाँ पर रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देती थी लेकिन अभी कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन चुकी है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है तेरह सौ बीस करोड़ के आसपास की कंपनी की रिजर्व है एंड बोरिंग सिर्फ और सिर्फ पाँच सौ करोड़ से भी कम है तो ऑलमोस्ट डेट फ्री इसको आप लोग बोल सकते हो मतलब सेवन हंड्रेड करोड़ से भी ज़्यादा का गैप है दोनों के बीच में कंट्रोल डेप है टोटली उसके बाद अगर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो सेवेंटीन करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो प्रेजेंट थी कंपनी के पास ट्वेंटी ट्वेंटी वन की फाइनेंशियल ईयर में इस बार मतलब उसके बाद मार्च के बाद से कोई भी अपडेट नहीं है ना ही सेप्टेम्बर की अपडेट है ना ही जून की है ना ही दिसंबर की है तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी कैसा सिचुएशन है कंपनी में रिगार्डिंग द कैश फ्लो उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो कई जगह पे देख सकते हो तीन साल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो, तो सिर्फ और सिर्फ एफ की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग दस परसेंट के आसपास डिक्रीज़ हुई है एंड डी की भी होल्डिंग पॉइंट थ्री परसेंट के आसपास डिक्रीज़ हुई है लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है और ये दिसंबर क्वार्टर लेके अपडेटेड है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एफ आई ने अपनी होल्डिंग पॉइंट जीरो थ्री परसेंट इंक्रीज़ किया है एंड डी ने अपनी होल्डिंग कम किया है अगर देखा जाए तीन साल के कंपेरिजन में तो पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त इंक्रीज हुई है लगभग बाई टेन उसके बाद अगर देखा जाए तो पब्लिक में किस किस की होल्डिंग है देख सकते हो सभी बड़े रिटेलर की होल्डिंग यहाँ पर मैंशन किया हुआ है सेलो पेंस एंड स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग है वन पॉइंट थ्री टू परसेंट देख सकते हो यहाँ पे और मैं एक बार आप लोगों को प्रोमोटर्स एंड एफ आई एस भी चेक हूँ तो प्रोमोटर्स में भी आप लोग चेक कर सकते हो किस किस की होल्डिंग है एंड डी भी मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ 0.36 परसेंट किसकी होल्डिंग है वो यहाँ पे मैंशन नहीं है बाकी 3.68 में से 3.65 परसेंट होल्डिंग किसका है देखो एफ ने कोई तो मतलब कोई एक न्यू एफ 0.03 परसेंट स्टेक खरीदा है इस कंपनी का वो कौन है वो यहाँ पे मैंशन नहीं है और अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो थर्टी फाइव परसेंट शार्प निकल के आ रही है इस कंपनी में तो गाइज Uh, अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को डेफिनेटली बोलूंगा काफ़ी सही कंपनी है शॉर्ट टर्म में आप लोग डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो लेकिन मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी लॉस मेकिंग है उसके साथ साथ प्रोमोटर्स भी धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से एंड लास्ट तीन साल के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट फाइव ईयर की सेल्स को दोनों ही नेगेटिव में है इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ कंपनी और उसके ऊपर से प्रमोटर्स की होल्डिंग जितना भी है चाहे देखो दस हो बीस हो चालीस के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और वो भी नाइन्टी वन परसेंट प्ले जोड़ रखा है देख सकते हो यहाँ पर आप लोग तो गईस इसीलिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ बाकी अगर आप लोग की भरोसा है कंपनी के ऊपर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट अगर भरोसा नहीं है देन यू कैन लिव इट तो गैज अभी ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट में कंपनी जो है वो निफ्टी रियल्टी में लिस्टेड है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी रियल्टी में लिस्टेड है और आज कंपनी ने अपने न्यू फिफ्टी टू एक हाई टच किया जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो तो सेवन फिफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये इसके अपर प्राइस बैंड मतलब अपर सर्किट भी है कंपनी ने आज अपर सर्किट हिट किया था और अगर आज के ट्रेडेड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो टू तो लैस सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन फिफ्टी थ्री क्वान्टिटी में ट्रेड लिया गया है जिसका वैल्यू लगभग टू हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फाइव टू लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें पंद्रह सौ पचास बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है सेवेंटी टू पॉइंट फोर फाइव की प्राइस पॉइंट पे डिलीवरी परसेंटेज अभी तक अपडेटेड अपडेट नहीं हुई है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कैसे रहने वाली है बाकी हम लोग को देखो टू लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड क्वान्टी से कुछ जजमत करना कि कंपनी की वॉल्यूम काफी ज्यादा है या काफी कम हम लोग ये तीसरे पॉइंट पे जाके देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये कंपनी में ऐसे ही वॉल्यूम आती है, है मतलब ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से, से ज्यादा वो हम लोग देखेंगे चार्ट पे जाके और उसके साथ साथ हम लोग तीसरी पॉइंट पे भी ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है तो गाइज बिना टाइम हुए इसके पहले थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर आप लोग को बाय करना है एंड क्या आप लोगों की टारगेट है तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग इन के डेली चार्ट पे आ चुके हैं पहले वॉल्यूम चेक कराए तो वॉल्यूम काफ़ी सही है ये कंपेयर टू एवरेज जिन लोगों को लग रहा होगा ना कि 2.77 पॉइंट लैक्स की वॉल्यूम काफी कम है कंपनी के लिए बिलो हंड्रेड रुपीज़ लेकिन ये इसके एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है एवरेज वॉल्यूम लगभग लगा लो डेढ़ लाख डेढ़ लाख क्वान्टिटी के आसपास वन पॉइंट फाइव लाख क्वान्टिटी के आसपास होगा इसके एवरेज वॉल्यूम तो मतलब या तो फिर हो सकता है दो लाख के आसपास होगा तो एवरेज से ज़्यादा आई है बाकी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ हम लोग को पता नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते कि मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड इंट्रेडे में लिया गया है या डिलीवरी में बाकी यहाँ पे सभी के सभी लेवल्स आप लोग के सामने हैं तो देखो गैस एक सिंपल सा सजेशन देता हूँ दो तरीके से आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हो फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नो ट्रेडिंग जोन नो ट्रेडिंग जोन डिटर्माइन कर लो एंड नो ट्रेडिंग जोन के बाहर जब जाएगी तब आप लोग को बाई करना है एंड सेकेंड पॉइंट इज स्विंग ट्रेड मतलब नॉर्मल सपोर्ट uh, पे बाई करो रेजिस्टेंस पे सेल करो ठीक है ये सब ट्रेड ठीक है पहले नो ट्रेडिंग जोन के बारे में डिस्कस करते हैं देखो कंपनी ने जो है वो सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन की ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आज गई तो थी लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मुझे लग रहा है कि फिर से यहाँ से आके सपोर्ट लेगी ठीक है अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट अगर आप लोग इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चलोगे तो जब कंपनी 73.9 थ्री पॉइंट नाइन ऐसे चौहत्तर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फोर्टी पैकेट ऑफ हंड्रेड एंड एट वन फोर्टी एंड वन एट्टी सिक्स ठीक है और अभी आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ और एक बार फर्स्ट पॉइंट में ये भी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर बाई चांस कंपनी यहाँ पे यहाँ से स्लिप कर जाती है ये नो ट्रेडिंग जोन से स्लिप कर जाते हैं तो वेट फॉर दी बाउंस बैक हो सकता है कि कंपनी 40 के लेवल से बाउंस बैक दे या तो फिर सत्ताईस के लेवल से सत्ताईस के लेवल मुश्किल है लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी अगर यहाँ से स्लिप करती है तो 40 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे अगर नो ट्रेडिंग जोन के नो ट्रेडिंग जोन से स्लिप करने के बाद अगर चालीस के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करके चलो फॉर डिटा गेटा फिफ्टी फाइव पॉइंट टू फाइव सेवेंटी फोर हंड्रेड एंड एट ठीक है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट मतलब कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ नो ट्रेडिंग जोन अभी है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट मतलब इस हर सपोर्ट पे बाई करो रेजिस्टेंस पे सेल करो तो कंपनी ऐसा देखो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगी जब कंपनी इस सपोर्ट से बाउंस बैक देगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो लेकिन इस पॉइंट का एक ड्रॉबैक है हो सकता है कि कंपनी जब यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है तब यहाँ तक आई ना फिफ्टी फाइव तक आई ना हो सकता है ये जैसे कि ये बीच से मतलब ऊपर की तरफ फिर से जा सकते हैं इसलिए बोल रहा हूँ सेकेंड पॉइंट देखो अगर एक्सपीरियंस बंद हो तो सेकंड पॉइंट में आप लोग डेफिनेटली मतलब सेकंड जो रूल बोला मैंने सपोर्ट के आस पास बाइ खड़ा तो फिर कंपनी जिस भी लेवल से बाउंस बैक दे उस टाइम पे आप लोग बाई करो फिर देन होल्ड करो आप लोग फॉर दी रेजिस्टेंस ठीक है ये कर सकते हो लेकिन इसमें मुश्किल क्या है मुश्किल चीज़ क्या है जब कंपनी यहाँ पर मान लो कि कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दे दिया आप लोगों ने बाई कर लिया कि हाँ यहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक दे दिया है और कंपनी जो है वो नीचे गिर गया फिर से हो ही सकता है ये एक बाउंस बैक है कि घड़ में एंट्री कर लिया आप लोगों ने और एक बाउ कौनस किया है इस पॉइंट का कंपनी नीचे जा रही है नीचे जा रही है और मिडिल से मिडिल से एक ग्रीन कैंडल दिया आप लोगों ने कंफर्मेशन के लिए वेट किया जब आप लोगों ने बाय किया तब तो आप लोग देखते हो क्या कि ऑलरेडी सेवेंटी थ्री के मतलब कंफर्मेशन के बाद जब आप लोग एंटर करते हो तब आप लोगों को पता चल रहा है कि ऑलरेडी मार्केट सेवेंटी थ्री या तो फिर ऑलरेडी ये कंपनी सेवेंटी थ्री के आसपास ट्रेड कर रही है मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया एंट्री करने के लिए इसके लिए मैं सिंपल एंड बहुत ही वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल बोल रहा था आप लोगों को कि इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो उसके बाद उसके बाद जब इसको क्रॉस करेगी कंपनी या तो फिर इसके बाहर क्लोजिंग करेगी कंपनी तो आप लोगों को उसके हिसाब से ट्रेड लेना है अदरवाइज एक्सपीरियंस बंदे हो तो इसके बीच में भी ट्रेड ले सकते हो लेकिन सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है बिगिनर्स के लिए नहीं है ठीक है तो गैस ये हो गया कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो सभी के सभी लेवल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सभी के सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस तो गैस अगर आप लोगों को कहीं पे नोट डाउन करना है तो वो भी करके रख सकते हो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि स्क्रीन ले लो कहाँ मतलब कहाँ पर आप लोग नोट डाउन करके रखोगे बाकी आप लोगों के बड़े कोई भी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द लेवल्स ना हो इसलिए मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लेना तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ